हेलो एवरीवन, एज यू नो इट इज द आरएचसीई ट्रेनिंग। ठीक है ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंट्रो, माय नेम इज शोभित राठौर। ओके एक सेकेंड, समवन वांट टू जॉइन अस? ओके एंड आई एम फ्रॉम नोएडा। ओके एंड अबाउट इन माई स्टडी आई डिड एम बी ए इन आई टी। ठीक है, आफ्टर दैट इन माई एक्सपीरियंस आई हैव अप्रोक्स 15 ईयर एक्सपीरियंस, 15 ईयर इन द सेम फील्ड। ठीक है, आई टीच अप्रोक्स मोर देन 50K स्टूडेंट आई टीच। ओके एंड आफ्टर दैट आई वर्क विद HCL, Wipro, NIIT, JATKING. After I am professor in a engineering college. Okay, ठीक है, हाँ जी, anything please ask me if you need, अगर आपको कोई भी issues है तो। No जी, ठीक है, तो it is my intro. एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग माई क्लास। ठीक है, तो हमारी जो क्लास है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्लास रूल्स, क्लास रूल्स। ठीक है, आई एम सो मच प्रोफेशनल्स अबाउट द एवरीथिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक सेकेंड प्लीज, आई जस्ट क्लोज इट, मेक्स सो मच साउंड। My first rule, just be on time, always be on time, it is always important. My class start as a sharp 7 PM, so I will start the class at the sharp on time, okay, every day. ठीक है, second is, it is a important thing ki make the notes also, ठीक है ना, of your every classes. Okay, it is the important part. Third one, up now my some commitment in my training na? My first commitment is, you can always ask me 100 times, ask me 100 times, theek hai na, 100 times. Okay ji, why they not come on the time? ठीक है, you can ask me 100 times. ठीक है, second thing, I will share the class video after every class. Okay, and you can access is the lifetime. ठीक है, ऑल राइट। थर्ड, माई आई विल ऑल्सो असिस्ट यू एज अ जॉब सपोर्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट आई हैव अ वैकेंसी इन HCL, ठीक है, एंड मैनी अनदर MNCs. ठीक है, ऑलवेज। द फोर्थ वन इज, आई विल ऑल्सो शेयर द 800 इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, answers. फॉर्स प्लीज म्यूट, अगर आप अनम्यूट हैं तो, फॉर्स योर सेलेक्शन। ठीक है ना, फिफ्थ, माई माई फिफ्थ इज कि आई विल सपोर्ट। फिफ्थ माई उट सपोर्ट, ठीक है, एंड इट इज फॉर द लाइफ टाइम, यू कैन आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम। ओके, सिक्स वन इज, इफ द एनी इशू इन योर ऑफिस, फॉर एग्जाम्पल इफ द एनी इशू अकर इन योर ऑफिस सर्वर, यस आई विल ऑल्सो सपोर्ट इन योर वर्क। ठीक है, सपोर्ट इन योर वर्क, ठीक है, ऑलवेज।
सेवन थिंग सपोर्ट लाइफ टाइम एक्सेस लिंक, ठीक है। और हाँ, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आफ्टर इफ यू कम इन माई क्लास तो आई एम ऑफरिंग यू ऑलवेज ज्वाइन माई ऑल, ज्वाइन माई ऑल अपकमिंग लाइनेक्स बैच, ओके, एंड इट इज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारी ओर से आपके लिए होगा हमेशा, ओके जी। हाँ जी, एनी इशू तो प्लीज आस्क मी। नो जी, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग माई क्लास फर्स्ट, इट इज माई क्लास फर्स्ट एंड यू कैन से इट इज द डे फर्स्ट, ठीक है। नाउ एज यू नो द कोर्स इज एग्जैक्टली लाइनेक्स, ठीक है। हाँ जी, ये क्या होता है? हाँ जी, प्लीज इन्फॉर्म मी, एनी आइडिया अबाउट इट? ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी गुड, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, इट इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। माय फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टू न्यू न्यू थिंग्स, द फर्स्ट इज ओपन सोर्स एंड अनदर इज ओवस और ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम और द ओवस, यू कैन से द सॉरी ओवस, तो प्लीज इन्फॉर्म मी ये क्या होता है। हाँ जी, एनी आइडिया अबाउट द ओवस? ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हेल्प्स टू मेक द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड द यूजर क्लाइंट पेरिफेरल डिवाइसेस एज वेल एज इट इज अ इंटरप्रेटर बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। इंटरप्रेटर यू कैन से, आई एम सेइंग इट इज द इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर यस एंड User. User and also peripheral devices, ठीक है, peripheral devices, example printer scanner, printer keyboard mouse, printer scanner, okay जी। तो ये सब आपस में इसी की help से attach होते हैं, okay जी। तो it is exactly the interface, fine जी, ठीक है। Now I am coming. Oh, why they not coming on time? Someone want to join us? Excuse me, guys. Yes. ठीक है. Now the another is open source. Open source. हाँ जी. Any idea about open source? Open source is a platform that anybody who have the command, they can make any modification in the operating system. Very good. Nice. अच्छा. If I open source, it's available free of charge. ओके, वेरी गुड। अच्छा, इफ आई जस्ट गिव यू सम एग्जांपल, एग्जांपल इफ आई कम ओवर द एनी वेबसाइट, ओके जी, इफ आई कम ओवर द एनी गेम्स, इफ आई कम ओवर द एनी सॉफ्टवेयर, एवरीवन नो दिस मेक फ्रॉम द स्मॉल स्मॉल कोड्स एंड द स्मॉल स्मॉल कोड्स कम फ्रॉम द लैंग्वेजेस, है ना। एग्जाम्पल सी, सी प्लस प्लस, जावा, है ना, पाइथन, एग्जाम्पल, ठीक है। तो नाउ फर्स्टली वी जस्ट मेक द स्मॉल स्मॉल कोड्स, प्लीज म्यूट, अगर आप अनम्यूट हैं, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट, थैंक यू। फर्स्टली वी मेक द स्मॉल स्मॉल कोड्स, है ना, स्मॉल स्मॉल कोड्स, ओके, ठीक है। आफ्टर इट वी एड टू एवरी कोड्स टू ईच अदर, एड कोड्स, ओके, एंड आफ्टर इट वी असाइन द एनी वेबसाइट, ओके, एनी
games and okay and any another thing like software. Yes, ठीक है. तो now if I come to the here the small codes, if I just say small codes, it is also called source code. ठीक है, it is also called source code. ठीक है जी. If any person able to access the source code, ठीक है, able to access the source code, ठीक है, अगर कोई है और उसको ये codes आसानी से assign हो जाते हैं, and able to make the changes, ठीक है, sorry, तो now it is called, exactly it is called open source, okay, it is called exactly open source, means open source is the source code if we able to access it and make the any changes, okay, example, if we make any the website, okay ji, everyone know it is make from the small codes, okay ji, theek hai, if I access the code and change it, theek hai, तो इट इज कॉल्ड ओपन सोर्स साइट. हाँ जी, अंडरस्टैंड ना, एनी इशू प्लीज आस्क मी. आपको ये अंडरस्टैंड हुआ ओवर्स एंड आपको अंडरस्टैंड हुआ एंड ऑल्सो ओपन सोर्स. हाँ जी, एनी इशू? नो जी, ठीक है. नाउ आई एम कम इन माय अनदर टॉपिक, इट इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, इसका हिस्ट्री क्या है. तो नाउ द फर्स्ट ओवस इज कम इन द 69. द फर्स्ट ओवस नेम इज द मल्टिक्स एंड इट इज द फर्स्ट ओवस विच आई जस्ट टाइप हियर, फर्स्ट ओवस एंड यूनिक्स बेस्ड, ओके, ठीक है, फाइन. After that, the another OS come in the 70s. Sorry. And it is called UniCS. Okay. And, but, it is come over the B language. ठीक है, अभी तुम्हारा C के ऊपर होता है काम, but ये उस time पर इस पर आया था. Okay. After that, in the 71, C come. Sorry, C language come. All right. After that, the OS is again make. ठीक है? In 73, the same OS again make and it is called Unix. Okay. ठीक है? And it come over the C language. ठीक है? Over the C language, ठीक है जी, okay जी, everything is good, ठीक है. Now it is called, अब इसमें क्या था, अब now it is, अब यहाँ पर जो है ना, ये जो Unix ना, it is exactly called kernel, okay, ये exactly था हमारा kernel. अब ये क्या ठीक है आपकी, तो नाउ आई एम कमिंग ओवर द कर्नल, ठीक है. अब ये क्या चीज होती है, हाँ जी, एनी आइडिया प्लीज आंसर मी. या इट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स लाइक ए दास प्रॉब्लम. गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है. सो नाउ एक सेकेंड, या ठीक है. तो नाउ इट इज अ प्रोग्राम, ठीक है, एग्जैक्टली इट इज अ प्रोग्राम एंड इट इज कम इन द एवरी ओवर्स, इट इज अ प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम, ओके, ठीक है, इट इज अ प्रोग्राम विच इनसाइड इन एवरी ओवर्स, कोई भी ओवर्स हो, ये हर ओवर्स में होता है, इन एवरी ओवर्स, ठीक है. एंड इट इंटरफेस बिटवीन
हार्डवेयर एंड ओवर्स, ठीक है, हार्डवेयर एंड ओवर्स. इफ आई कम ओवर द एमएस पेंट पेंट, ठीक है, सॉरी एमएस पेंट, ठीक है. सर आई हैव अ क्वेश्चन हियर, प्लीज आस्क मी. व्हाट इज एनाकोंडा? एंड द, हाँ जी, डू यू हियर? प्लीज आस्क मी. व्हाट इज एनाकोंडा? Is this like a kernel or is this something else? You ask me about the... Haji, haji, haji. Please come again. Haji, ask me. What is anaconda? Anaconda. It is a file. Okay, it is a file. It is a file and it come run the OS. Okay. It has another burp. Okay. It has another burp. Okay. Sorry. Now, dekho ji. It is my computer hardware. Okay, ji. ठीक है. It is my another thing and it is my another thing. Everyone know it is the computer hardware. ठीक है. It is my computer hardware. Okay. ठीक है. And it is my OS. यानी operating system. And here it is called the user. ठीक है. For example, if it is execute any कमांड इट विल कम ओवर द ओवर्स, ठीक है, अगर इसका कोई भी काम होगा तो वो इसके ऊपर आएगा. एंड इट विल आस्क फ्रॉम द हार्डवेयर एंड हेयर इज द एग्जैक्टली कम द कर्नल, ठीक है, इट इज मेक द इंटरफेस ओवर्स एंड हार्डवेयर. ओके फाइन, तो इट इज कॉल्ड द कर्नल. ऑल राइट, ठीक है. तो नाउ इट इज अ प्रोग्राम विच कम इन द एवरी ओवर्स, ठीक है. तो नाउ अंडरस्टैंड हेयर, तो ना तो नाउ इट इज एग्जैक्टली अ कर्नल, ठीक है. अब नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, द यूनिक्स कर्नल इज नॉट ओपन सोर्स, ठीक है, इज नॉट ओपन सोर्स. इंपॉर्टेंट थिंग, is not open source. It means we can't change it according to our company policy. We can't change it. ठीक है? Please mute. I think कि कोई unmute है. Please understand it. ठीक है? Okay. Thank you. अब now it is it was assigned to only three company. उस टाइम पर देती है थ्री क्यों होती. द फर्स्ट नेम इज IBM, IBM. अनदर इज HP. एक सेकेंड जी, प्लीज म्यूट. ठीक है, HP. एंड द थर्ड वन इज सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम. ठीक है जी. तो नाउ द हैपन इज हेयर, द कंपनी टेक द यूनिक्स कर्नल एंड अटैच इट्स ओन मैनी सॉफ्टवेयर, मैनी सॉफ्टवेयर. ठीक है, आफ्टर दैट दे मेक द इट्स ओवर्स. ठीक है, तो नाउ द IBM ओवर्स नेम इज AIX. ठीक है, AIX. And HP OS is called HP UX. And Sun Microsystem OS is name is Sun Solaris. Okay? ठीक है, तो ये इनके अपने OS हैं, अपने. ठीक है, अब now as you see कि भाई it is not open source. तो now we can't make the any changes. Okay? तब now a person come and the name is Linus Torvald. ठीक है, एंड ही मेक्ड अ न्यू कर्नल, इट इज सेम एज अ यूनिक्स, सेम एज अ, ठीक है, एंड द नेम इज लिनक्स. ठीक है, तो जस्ट अंडरस्टैंड हेयर, हेयर द इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज अ ओपन सोर्स कर्नल. ठीक है, तो ये आंसर आपका होता है इट इज ओपन सोर्स कर्नल. ठीक है, अब नाउ आफ्टर दैट
a company come and the name is Red Hello, Hat. Sir. हाँ जी प्लीज आस्क मी सर, ये आपने बताया था कि ये जो यूनिक्स है वो सी लैंग्वेज पे बेस है, हाँ जी, तो सर ये लिनक्स तो फिर डिफरेंट हुआ ना, क्योंकि सर इसमें तो मतलब सी लैंग्वेज का यूज नहीं होगा। नहीं, इसमें भी आपका सी के ही ऊपर काम हुआ है, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो हमारा है ना, ये वाला इट इज नॉट ना, वो जो आपका ओपन सोर्स, ठीक है, इट मीन वी कांट मेक द एनी चेंजेस और इसमें आपका काम इजिली हो जाएगा। okay, अभी आते हैं इसके ऊपर धीरे धीरे, ठीक है। द कंपनी कम एंड इट टेक द लिनक्स कर्नल, ठीक है, एंड अटैच इट्स ऑन मैनी सॉफ्टवेयर, इट्स ऑन इट्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड मेक द न्यू ओएस एंड इट इज कॉल्ड RHEL, इट इज स्टैंड फॉर Enterprises, okay? Enterprises, Linux, okay? So exactly the OS, it is called RHEL and it is a company, okay? Understand here, it is a company and it is the OS. Achha, same, as you know, ki it is the free, open source means always free. So now the free OS take the another company and make the another OS, make the another OS example you Ubuntu, ठीक है ना, another is Nopix, ठीक है, Fedora, CentOS, ठीक है, Fedora, it is another OS, CentOS, Parrot, इसका काम हैकिंग में होता है, Parrot, it is also come फॉर द हैकिंग, ठीक है, अनदर इज मेंढारके, ठीक है, अनदर इज सुसे, तो नाउ दीज आर द सेम ओवर्स, अप्रोक्स सेम कमांड, ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से आ जाता है तो यू कैन हैंडल द एनी ओवर्स इजिली, ओके, एनी ओवर्स इजिली, ठीक है। अब नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, इफ आई कम ओवर द कंपनी रेड हैट, ठीक है, एज यू नो इट मेक द RHEL, ठीक है, एंड इट इज मेक द अनदर ओवर्स ऑल्सो एंड द नेम इज CentOS, CentOS, अच्छा, अब एवरीथिंग इज सेम इन द RHEL एंड CentOS, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, ओनली RHEL हैज अ प्राइस, इट मीन इट It has a cost and CentOS, it is free. ठीक है, it is free. For example, if you take the RHEL for your server, ठीक है, आप एक ऑफिस में हो और आपने you have just take it. So if you have any issue, the RHEL, the Red Hat team ना will help you, will support you. ठीक है, अगर आपको कोई भी इश्यू आएगा तो ये आपकी इनसे हेल्प हो जाएगी। प्लीज म्यूट, आप अनम्यूट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। गाइस इफ यू आर नॉट टॉकिंग प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ ऑफ कोर्स, आई हैव टू जस्ट इरेज इट, इफ इट डज डू अगेन आई विल इरेज, ठीक है। अब हाँ, नाउ बट इफ यू कम ओवर द CentOS, एज यू नो कि भाई इट इज द फ्री, तो इफ यू हैव एनी इश्यू इन योर CentOS, इट विल नॉट सपोर्ट यू, ठीक है, सपोर्ट यू, एंड इसके अलावा एवरीथिंग इज सेम, एवरी कमांड इज सेम, ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड यार, ठीक है, तो यू कैन practice over the RHEL or CentOS as you wish, ठीक है ना, काम हमारा same to same होगा। Now I am coming over the current version, आजकल इस पर काम हो रहा है, तो now it is come over the 8, if I come over, तो you can say RHEL 8 or you can say CentOS 8, ठीक है, but in the some office, still
स्टिल कम ओवर द 7 ऑल्सो, है ना, अभी इस पर भी हो रहा है काम. तो इन माई ट्रेनिंग ना आई विल कवर ना 6, 7 and 8 ऑल्सो. ओके ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा 6, 7 और आपका 8. ओके जी, तो हमारी स्टडी इनके ऊपर होगी. ओके अंडरस्टैंड जी. हाँ जी, एनी इशू प्लीज आस्क मी. सर आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ प्लीज आस्क मी. सर जैसे कि सपोज हम लोग अगर 8 डाउनलोड करते हैं, 8 कॉन्फिगर करते हैं, तो कुछ कमांड्स हो सकती है जो 6 पे वर्क करती है और 8 पे नहीं करेंगे, तो हमें क्या तीनों वर्जन कॉन्फिगर करना होगा फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, कैसे करना होगा? प्लीज आस्क मी अगेन, आई कांट अंडरस्टैंड इट, प्लीज आस्क मी. सॉरी, I'm just trying to say, suppose if we configure Linux version A, and somehow there's some dependency, some commands can be work only the version 6 only. Achha. So how do we go? Like, we have to configure 6 also? If I come over the 6, 7 or the 8, so I can say that approx 80% are the same. Okay, same. Haan, only the some commands are, इसमें कुछ अलग होंगी, इसमें कुछ अलग है और इसमें कुछ अलग है. ओके जी, तो फिर ना जो हमारी स्टडी होगी वो इसके हिसाब से भी होगी और इसके हिसाब से भी, और जी आपकी इसके हिसाब से भी होगी. ओके जी, तो मतलब कि कोर्स के एंड आपके मतलब होता ना, आपको 6 भी आएगा, आपको ये भी आएगा और आपको ये भी, 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 भी आपको आएगा. ओके जी ठीक है, चलिए जी. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम कमिंग ओवर द सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माय ट्रेनिंग इज एज यू नो कि आई हैव अ 15 ईयर एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री. तो आई नो कि क्या क्या एग्जैक्टली होना इंपॉर्टेंट है. तो माय ट्रेनिंग इज एग्जैक्टली जॉब रेडी. ओके एंड द रियल सिनेरियो ठीक है. तो हमारी स्टडी इसके हिसाब से होगी कि क्या क्या इश्यूज आते हैं. एंड तो नाउ देखो एग्जाम्पल, इफ यू कम टू द एनी इंस्टीट्यूट बट आफ्टर द कोर्स ना यू आर नॉट एबल टू डू द एनी जॉब. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ना दे टीच ना अकॉर्डिंग ऑफ द बुक. ठीक है, तो इसका काम अलग होता है जी, और जी आपका इसका काम अलग होता है. तो हमारी स्टडी इसके हिसाब से होगी. ओके जी, अच्छा नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्टिफिकेशन. अगर आपको इसमें आना है तो द फर्स्ट एग्जाम नेम इज RHCSA रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है. इट इज द वो ऑफ द RHCS. इट कंटेन द टू ठीक है, टू बुक्स. द फर्स्ट बुक कोड इज SA1 और अनदर इज SA2. SA1 कोड इज 124 ठीक है, और जो SA2 होती है, SA2 इट्स कोड इज 134 ठीक है. ऑल राइट, अब नाउ द एग्जाम फीस. जो इसकी एग्जाम फीस होती है वो हमारी होती है इन द इंडिया द फीस इज 16K एंड प्लस GST. तो नाउ द फीस इज एग्जैक्टली ओके अंडरस्टैंड. तो ये इसकी आपकी एग्जाम की फीस है. आफ्टर इट यू कम टू द हाना सेकेंड स्टेप एंड इट इज कॉल्ड RHCE ठीक है. It stand for same Red Hat certified engineer
ठीक है, इंजीनियर, ठीक है. तो इट हैज अ सिंगल बुक एंड द कोड इज 294, ठीक है, 294. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो एग्जाम कोड आपका होता है, एग्जाम कोड, इसका जो हमारा एग्जाम कोड होता है, इट इज कॉल्ड EX200, ओके. और जो इसका एग्जाम कोड होगा, इसकी भी एग्जाम फीस आपकी सेम ही है, सेम सेम टू सेम एग्जाम फीस, ठीक है. बट द कोड इज 294, ठीक है. तो इसकी फीस हमारी अलग होगी और इसकी फीस हमारी अलग होती है. आफ्टर इट यू हैव अ मैनी ऑप्शंस टू डू द अनदर जॉब, ठीक है. एग्जाम्पल थर्ड वन इज RHCVA, इट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इट इज द फुल फॉर्म. अनदर इज RSCSS, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ठीक है. अब ये हमारे पास में अनदर ऑप्शंस हैं, बट इफ आई से, एज यू नो कि आई हैव अ सो मच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो नाउ द इन दिस टाइम पाथ, इस टाइम पे पाथ क्या है आपका एग्जैक्टली. फर्स्ट स्टेप, यू शुड बी कम ओवर द, ओके ना, आफ्टर इट यू कैन कम ओवर द क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, आप इस पर आओ. एग्जाम्पल द कोर्स नेम इज एग्जाम्पल AWS एंड द Azure, ठीक है, आप इस पर आए. आफ्टर इट द अनदर एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कम ओवर द DevOps, ठीक है. तो ये आपका अच्छा पाथ है, द फर्स्ट स्टेप, अनदर स्टेप एंड द अनदर स्टेप. आफ्टर इट इफ यू हैव अ 2 year experience, या यू कैन से ऑफ यू आर द 1 year experience, ना easily आपकी स्टार्टिंग होगी, आपकी easily स्टार्टिंग हो जाएगी 50,000 to 60,000 में, easily, ठीक है. एंड आफ्टर 5 to 6 year experience आपको होती ना, ये आपका है ना, आपका अच्छा सा हो जाता है, ठीक है. तो ये एग्जैक्टली आजकल हो रहा है, तो आपको इसके हिसाब से आना इंपॉर्टेंट है. हाँ जी, एनी इशू प्लीज आस्क मी, एनी इशू, नो, ठीक है, ऑल राइट. तो नाउ आई एम कमिंग इज कि हाउ टू इंस्टॉल द ओवर्स, ठीक है. अब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा. हाँ जी, ये जो हमारा फर्स्ट सर्टिफिकेशन है RHCSA और RHCE, इनमें से कोई डिपेंडेंसी कि पहला ही करना है फिर सेकंड करेंगे या सेकंड भी कर सकते हैं, अगर दोनों की फीस सिमिलर है तो? नहीं, देखिए इसमें अगर आपको आना फिर ना, मतलब नहीं कि वो ना, इसका होना आपको इम्पोर्टेंट होता है, ओके, ये आपका इम्पोर्टेंट है. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज माई ट्रेनिंग इज कवर द RHCSA प्लस RHCE also, ठीक है. तो आफ्टर द यू आर एबल टू गिव ना एनी एग्जामिनेशन, ओके, आर यू एबल, ठीक है ना, यू आर एबल, ठीक है. हाँ जी, ठीक है. तो ट्रेनिंग के बाद आप लोग सर एग्जाम भी अरेंज करवाते हैं? एग्जाम से कुछ ऑप्शन हम पर है. हाँ जी, प्रैक्टिकल विल स्टार्ट, ठीक है, प्रैक्टिकल. अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो हमारा कोर्स है ना, कोर्स है इट हैज 95% ना ओनली प्रैक्टिकल होगा आपका, ठीक है ना. तो इसमें ना आपको प्रैक्टिस होना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है. तो वो इट इज द वो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है जी, अंडरस्टैंड. चलिए, नाउ आई एम सर. हाँ जी, हाँ जी,
ये पूछा था जैसे RSA ASA का जो भी एग्जाम में सर्टिफिकेशन में उसमें क्या थ्योरी रहता है कि प्रैक्टिकली रहता है सब क्या सर? देखिए जो आपका एग्जाम होता है, अगर मैं आपके एग्जाम पर आऊं तो एग्जाम आपका देखो ये भी आपका ऑप्शन होता है, ऑनलाइन भी आपका ऑप्शन होता है, एंड यू कैन ऑल्सो गिव एज अ ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन से स्टार्ट हो गया क्या इसमें? पहले तो ऑफलाइन ही ऑनलाइन होता था। हाँ जी हाँ जी, अभी हमारा हो गया स्टार्ट, है ना, अभी हो चुका है स्टार्ट। इसमें क्या क्या आपका होगा कि आपका एक रूम होगा, ओके, उसके अंदर आपका एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर, ठीक है। आफ्टर इतना एक कंप्यूटर आपको असाइन होगा, ठीक है, और उसमें आपके इश्यूज होंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यू हैव टू सॉल्व द इश्यू, यू हैव टू सॉल्व द इश्यू, ठीक है, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो इट इज द टास्क इन द एग्जामिनेशन। तो ना, 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 तो फिर नहीं, आपका ना इसमें एग्जाम इसके हिसाब से होता है। ओके जी, ठीक है, ओके। नाउ आई एम कमिंग ओवर माय फर्स्ट प्रैक्टिकल, फर्स्ट प्रैक्टिकल हाउ टू इंस्टॉल द ओएस, ठीक है। तो नाउ फर्स्टली आई विल इन्फॉर्म यू इंस्टॉल द ओएस, यू कैन सी ओएस, ठीक है। तो नाउ जस्ट फर्स्टली अंडरस्टैंड हेयर द थिंग, द थिंग इज दैट फॉर एग्जाम्पल इन योर ऑफिस हैज अ सर्वर, ठीक है, स्पेसिफिक सर्वर, एंड यू से कि ओनली इंस्टॉल द ओएस ऑफ द लर्नर, ठीक है ना, ओनली ओएस, ठीक है। तो हेयर यू हैव टू अटैच द मेक द फर्स्टली ना यू हैव टू मेक द बूटेबल पेन ड्राइव, है ना, पेन ड्राइव, ठीक है, अटैच इट एंड इंस्टॉल द ओएस हेयर, ठीक है। तो आपका मसौली ना इसके ऊपर ही काम होगा, ओके, ठीक है। बट आई हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल कि इट इज माई पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, ओके, एग्जाम्पल, एंड द टेन इज इंस्टॉल्ड हेयर, ठीक है। तो नाउ इफ आई इंस्टॉल हेयर द फ्रॉम द ओरिजिनल ओएस, तो फिर नाउ भाई ना वो इट विल इरेज। तो आई हैव अनदर ऑप्शन, आई विल मेक द वर्चुअलाइजेशन। अब ये क्या चीज होती है, ठीक है, आई कैन इंस्टॉल द सम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ठीक है, हेयर वी कैन इंस्टॉल द थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ठीक है। एग्जाम्पल VMware, ओके, VMware, आई जस्ट एक्सटेंड द पेज, ठीक है, VMware वर्क स्टेशन, ठीक है। आफ्टर दैट आई हैव अनदर ऑप्शन VMware प्लेयर, ठीक है, प्लेयर, और आई हैव अनदर ऑप्शन इज ऑल्सो इज ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो कोई भी एक आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आई एम इंस्टॉलिंग हेयर, ठीक है। अब हेयर आई कैन इंस्टॉल द एनी ओएस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेयर आई एम इंस्टॉलिंग द CentOS एज माई विश। अब इन द सेम टाइम आई कैन कम ओवर द 10 एंड आई कैन कम ओवर द CentOS, इट मीन्स आई कैन इंस्टॉल द अनदर ओएस, ठीक है ना, एंड वो इन द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट नॉट डिस्टर्ब ना एनीथिंग, ठीक है, डिस्टर्ब द डेटा, ठीक है। तो नाउ फर्स्टली आई विल इन्फॉर्म यू हाउ टू मेक अ PD, ठीक है। तो फर्स्टली आई विल इन्फॉर्म यू हाउ टू मेक माई फर्स्ट प्रैक्टिकल, मेक द बूटेबल PD। हाउ आई कैन मेक द हाउ? तो नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्टली रिक्वायरमेंट, है ना, requirement, the first is you have to the ISO image, ठीक है,
जो आपका ओवस इंस्टॉल्ड होगा उसकी आईएसओ इमेज आप पर होना इम्पोर्टेंट है. एज यू विश यू कैन कम ओवर द आरएचईएल और यू कैन कम ओवर द सेंटोवस. ओके एज यू विश. ठीक है. अनदर थिंग, यू हैव अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एंड इट्स नेम इज यूनिवर्सल यूएसबी इंस्टॉलर. ठीक है. इट इज द नेम. ये सिर्फ इसी से ही होगा. ठीक है. तो फर्स्टली आई विल इन्फॉर्म यू हाउ टू डाउनलोड द आईएसओ इमेज. ठीक है. आईएसओ इमेज. ठीक है. तो फर्स्टली आई एम कम ओवर द सेंटोवस. सेंटोवस. ठीक है. सिंपली यू जस्ट कम एंड जस्ट टाइप हियर द ओपन द खोखा है ना. ठीक है. एंड टाइप हियर सेंटोवस 8. ठीक है. एंड कम ओवर द फर्स्ट ऑप्शन एंड कम हियर द x86-64. ओके आपको इसके ऊपर आना होगा. प्रेस एंटर हियर एंड कम ओवर द फर्स्ट लिंक. ओके आप इसके ऊपर आ जाइए एंड आफ्टर यू कैन सी हियर द ओवस इमेज इज लाइक दैट. ये वाली इमेज. ठीक है. ये वाली इमेज. यू हैव टू आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर द इम्पोर्टेंट इज. ठीक है. सॉरी एक सेकेंड जरा प्लीज. Sir, that particle will be on base of real or CentOS? Haji, please ask me again. The particle will be based on real or CentOS? देखो, R study na is over the RHEL and also over the CentOS. ठीक है ना. हमारा इस पे भी काम होगा और इसके ऊपर भी काम होगा. It is exactly 9 GBB. Okay, and I am also just copy the link also na. ठीक है. ये वाला लिंक आपका होगा. ये वाला. ठीक है. ठीक है जी. ओके नाउ द अनदर इज आरएचईएल. समवन वांट टू जॉइन अस नाउ. ठीक है. अनदर इज आरएचईएल. ठीक है. तो नाउ द आरएचईएल इज द स्पेशल. तो नाउ फर्स्टली यू हैव टू कम ओवर द गूगल. ठीक है. एंड आफ्टर इट यू जस्ट टाइप हियर आरएचईएल 8. ठीक है. आरएचईएल 8 डाउन. ठीक है. कम ओवर द फर्स्ट आपको इस ऑप्शन पर आना होगा. इस पर. ओके जी. ठीक है. ना 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 यू हैव टू मेक योर दाना बोलो अकाउंट. ठीक है. आप इस पर आ जाओ. ठीक है. एंड आफ्टर इट ना यू हैव टू मेक द अकाउंट. You have to come over the RHEL 8 ये वाले पर. ठीक है. 8.4 and you have to come to here. ठीक है. After it will ask the account. ठीक है. तो you have to make the new account or you can start from the here also. Okay, as you wish. तो account if you come to here, simply fill your info. हेयर एंड बस ये आपका हो जाएगा. तो आई हैव अ अकाउंट. तो सिंपली आई एम स्टार्ट फ्रॉम माई मेल आई डी. ठीक है. ओके एंड इजली इट विल स्टार्ट. ठीक है. तो आरएचईएल 8 हमारा ऐसे होता है. ओके जी. तो ये अकाउंट आपका होना इंपॉर्टेंट है. सिंपली कम टू हेयर आरएचईएल 8. ठीक है. आफ्टर दैट सिंपली जस्ट क्लिक हेयर एंड इट विल स्टार्ट. ओके जी. हाँ जी. आपको इतना अंडरस्टैंड हुआ. ठीक है. माय अनदर इज नाउ द थर्ड वन. ओके आई जस्ट कॉपी इट ना. इट इज द वे. ठीक है. अब नाउ यूएसबी इंस्टॉलर. ठीक है. तो यू हैव टू कम ओवर द गूगल and simply type here USB installer. ठीक है. आप इस पर आ जाइए और simply just click here and just click here. Simple. आपको इस पर आ जाना है बस. ओके. तो I have already as you see here I have. देखो ये रहा. ठीक है. Now
the important thing is, third thing is, you have need the USB PVD and its size is should be 16 GB. ठीक है ना, ये इतना तो आपका होना इम्पोर्टेंट ही है. तो ओके, आई एम अटैचिंग द न्यू पीडी. ठीक है, आई एम अटैचिंग माई पीडी. ठीक है, तो नाउ आई एम जस्ट शो यू इट इज अटैच्ड. देखिए ये अभी हमारी अटैच हो गई एज यू सी हेयर. ठीक है, तो नाउ फर्स्टली यू हैव टू कम टू हेयर. ठीक है, ये पहले आपका ओपन होगा, यू हैव टू कम टू हेयर. ठीक है, आफ्टर दैट आई एग्री. ठीक है, एंड यू हैव टू कम इन योर ओवर्स. तो यू हैव टू कम ओवर द एंड ऑफ द ओवर्स. एंड मतलब ये वाला. ठीक है, ये वाला एंड ऑफ द लिस्ट. एंड माई आई एस ओ इमेज, तो आई जस्ट शो यू माई आई एस ओ इमेजेस. माई ऑल आई एस ओ इमेजेस आर हेयर. You can see here CentOS 7 and 8, okay, and also RHEL 8, and you can see here. ठीक है जी, तो now just, and you have to come over your ISO images. ठीक है, for example, I will come over my RHEL 8. ठीक है, आप चाहे तो इसके ऊपर आ जाओ और आप इसके ऊपर आ जाओ as you wish. तो I am will come over the RHEL 8. ठीक है, and it is my PD as you see. ठीक है, आफ्टर दैट सेम सिंपल आके क्रिएट. बस अब इट विल स्टार्ट. ठीक है, अब नाउ इट विल टेक द सम टाइम. ओके जी, तो ये काम हमारा ऐसे होता है. हाँ जी, एनी इशू प्लीज आस्क मी. सर नॉट एन इशू बट आपकी आवाज कम आ रही है, प्लीज स्पीक सम लाउड 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 ना. हाँ जी, हेलो. हाँ जी, हेलो. यस, मैं कह रहा था सर ये जो हम बुटेबल बना रहे हैं, बिना बुटेबल बनाए भी तो हम वीएम में ऐड करा के वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं ना. आई हैव इन्फॉर्मड यू ना, इसका काम अलग है और इस पर अभी हम लोग आएंगे. ओके जी, अगर आप देखो एंड इफ यू से कि आई नीड, मतलब नहीं बोल दो यार इंस्टॉल द ओरिजिनल ओवर्स इन माय सर्वर, तो फिर ना काम आपका इसके हिसाब से होगा. ठीक है, now I am come over the another practical. I have informed you to how to make the bootable panel. ठीक है ना, अब मैं इसके ऊपर आता हूं. तो firstly you have to install a third party software. तो फिर है ना, आप चाहे तो इसके ऊपर आ जाओ और you can come to here or you can come to here. ठीक है, as you wish. example I will come RHEL VimBear है ना, VimBear वर्क स्टेशन. कम ओवर द फर्स्ट साइट एंड यू हैव टू कम ओवर हेयर. ठीक है, तो अभी आपको इस पर आना है, इस व्यापार डाले पर. एक सेकेंड. हाँ जी, ठीक है. एंड नाउ यू हैव टू कम ओवर द विंडोज. ओके, सिंपली क्लिक हेयर एंड इट विल स्टार्ट. ओके जी, ठीक है, तो इट इज द वे टू आई ना कॉपी इट. ठीक है, VimWare वर्क स्टेशन. ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर. सॉरी, लिंक इज दैट. अच्छा, अब इट विल आस्क अ की. इट विल आस्क अ की. ठीक है, तो ये की आई हैव द की. तो नाउ द की इज हियर. ओ सॉरी, सिंपली इंस्टॉल इट. ओके ना, ये आपका सिंपल इंस्टॉल हो जाएगा. बस देखो या ओके जी, तो नाउ आई जस्ट कॉपी द सर. कैन यू द की. हाँ जी, प्लीज आस्क मी. कैन यू सेंड एज द की. या बट ना द की इज ओनली आई हैव. ओके जी, ठीक है जी. ओके, तो आई एम पेस्ट हियर. ठीक है, ओके, इट विल सिंपली इंस्टॉल. सिंपली, ओके, ठीक है. अब आफ्टर इट इफ यू क्लिक हियर. ओके ना, देखो एज यू सी. ओके, इट विल ओपन लाइक दैट. ठीक है, तो यू हैव टू कम ओवर द फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, आपको इस पे आना होगा. आफ्टर इट
प्रेस ओके आफ्टर इट प्रेस द आपको इस पर आना होगा ठीक है यू हैव टू क्लिक हियर आई विल इंस्टॉल द ओवर रेडर जी अभी आपको इसके ऊपर आना है ठीक है आफ्टर इट इट विल आस्क द कंपनी इफ यू हैव द देखो यू कैन सी हियर द इट हैज द अनदर अनदर ओवर्स एंड इट हैज द अनदर ओवर्स ठीक है सेम ऐसे ही यू कैन सी एंड आई विल कम टू हियर ठीक है तो एज आई इन्फॉर्म्ड यू आई विल वो जो नहीं आपका इंस्टॉल ना RHEL 8 ठीक है तो यू कैन सी देखो खाना देखो जी RHEL 6 में है ना और जी आपका 8 ऑल्सो ओके जी एज यू विश तो आई एम वो स्टार्ट हियर ठीक है जी ओके RHEL 8 ओके ना वो इट माई ओवर्स नेम ठीक है जी आफ्टर इट इट इज आस्क द नेम तो आई विल असाइन द नेम सर्वर ओके जी एज यू विश ठीक है अब इट विल सेव हियर ये जो आपका इंस्टॉल्ड होगा वो इसमें सेव होगा एंड आई कैन चेंज हेयर एज माय विश ठीक है अकॉर्डिंग ऑफ योर वो जो आपका हार्डवेयर ओके जी आफ्टर इट सिंपली प्रेस द ठीक है अब इट विल कट द हार्ड डिस्क ओके ना ठीक है जी सिंपली आके नेक्स्ट अब यू हैव टू कम इन द कस्टमाइज हार्डवेयर ठीक है अब नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू इंस्टॉल द ओवर्स इफ यू इंस्टॉल द ओवर्स तो नाउ एज यू नो एवरी ओवर्स हैज अ इंपॉर्टेंट हार्ड रिपेयर तो नाउ फर्स्टली आई विल इंफॉर्म यू हार्डवेयर ठीक है रिक्वायरमेंट क्या क्या होना हमारा इंपॉर्टेंट होता है तो नाउ द फर्स्ट थिंग इज सीपीयू CPU is 1.1 GHz ठीक है ये इतना आपका होना इंपॉर्टेंट होगा RAM 2 GB ठीक है इट इज इंपॉर्टेंट एंड इन द हार्ड डिस्क स्पेस ओनली द 20 GB ठीक है जी तो नाउ इट इज द हार्डवेयर ठीक है जी सिंपली हाँ You come to hear the CD and DVD, ठीक है तो इट विल इंस्टॉल फ्रॉम द ISO इमेज ना ओके तो नाउ यू हैव टू क्लिक हियर एंड कम ओवर द ISO इमेज ठीक है तो माई ISO इमेज इज हियर ओके जी हाँ जी अगेन अंडरस्टैंड फर्स्टली ना यू हैव टू कम ओवर द फर्स्ट स्टेप ठीक है After that, simple and I will है ना वो यार install the OS ठीक है simply आके next come over the company name and the OS name okay जी as you wish ठीक है जी simply आके and assign the any name example I will say okay जी ठीक है after it ठीक है जी and you have to assign here the ISO image ISO इमेज देखो जी ISO इमेज माय ISO इमेज इज हियर ओके जी आप इस पर आ जाओ या इस पे आ जाओ ओके एज यू विश ओके जी एग्जांपल आई विल कम ओवर द RHEL 8 ठीक है क्लोज ठीक है जी एंड फिनिश ठीक है जी अब इट विल स्टार्ट हाउ टू इंस्टॉल द OS ठीक है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर आना होगा आफ्टर स्टार्ट इट थ्री ऑप्शन विल कम ये देखिए माय फर्स्ट ऑप्शन से कि ओनली स्टार्ट द ओवर्स ओके एंड अनदर ऑप्शन इज से कि नाउ फर्स्टली चेक द ऑल ISO फाइल ठीक है एंड आफ्टर इट इंस्टॉल इट ओके जी एंड अनदर इज इफ द एनी इश्यू अकर इन योर ओवर्स तब आपको इसके ऊपर आना है Understand? Sorry. जो फर्स्ट ऑप्शन है इट से कि ओनली स्टार्ट ओके एंड अनदर ऑप्शन से कि ओके जी फर्स्टली चेक द ऑल ISO फाइल एंड स्टार्ट ओके और अगर आपके ओवर्स में एनी इश्यू अगर तब आप इस पर आओगे ओके तो अभी आपको फर्स्ट ऑप्शन पर आना होगा ओके जी सिंपल आके प्रेस एंटर ठीक है जी
आफ्टर द फर्स्ट वो इन द फर्स्ट ऑप्शन सिंपली प्रेस द एंटर, ठीक है जी. अब इट विल स्टार्ट द फाइल. तो आई एम ऑल्सो जस्ट टाइप हियर द ना स्टेप्स, ठीक है, आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा. स्टेप, ठीक है. तो माय फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कम ओवर द फर्स्ट ऑप्शन, इंस्टॉल द, सिंपली इंस्टॉल द, ठीक है. एंड यू हैव टू प्रेस द एंटर ओनली हियर. यू हैव टू, देखो इट इज द फर्स्ट ऑप्शन, आई एम ऑल्सो जस्ट टाइप हियर कि इट इज माय फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है. एंड आफ्टर द फर्स्ट ऑप्शन यू जस्ट प्रेस द एंटर, ठीक है, ठीक है. अब आफ्टर दैट इट विल आस्क यू अबाउट द ओवर्स, किस में हमारा इंस्टॉल्ड होगा ओवर्स लैंग्वेज, ठीक है. तो सिंपली एज यू नो कि वो एवरी वीक वी कम ओवर द इंग्लिश एंड सिंपली प्रेस द नेक्स्ट. ओके जी, देखो जी आई जस्ट शो यू, सॉरी, हाँ इट इज स्टार्ट स्टिल, ये अभी हमारा अपलोड अभी हम अभी हो रहा है, ठीक है ना. तो इट टेक सम टाइम. ओके, नाउ इट विल आस्क द कि ये ओवर्स आपका किस में हमारा इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है. इट विल आस्क द लैंग्वेज, ठीक है. ओके, एज यू सी RHEL 8, ओके, एंड इंग्लिश ऑफ द US, ओके, अंडरस्टैंड. सिंपली बस यहां पर आके कंटिन्यू, ठीक है, सिंपली. आफ्टर इट मेन्यू ऑप्शन विल कम, सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग. ओके, जस्ट वेट, आई जस्ट चेक इट. यू हैव टू प्रेस द कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू. ओके, आफ्टर दैट माई थर्ड ओवर्स, द थर्ड ऑप्शन विल कम. हाँ, यू कैन सी हियर, देखो माई फर्स्ट ऑप्शन इज कीबोर्ड. ओके, तो आई कैन एड द अनदर थिंग्स ऑल्सो, एज यू सी कि इट इज ऑलवेज वो जो आपका इंग्लिश, तो आई कैन एड द अनदर. ओके, एज यू सी आई कैन एड द वो जो अनदर ऑल्सो, अगर आपको और भी आती है तो आप मतलब उनके ऊपर आ जाओ. ओके, एज यू विश. तो सिंपली बस आपको इस पर ही आना है. आफ्टर दैट ओवर्स, तो ओवर्स इंस्टॉल इन द इंग्लिश. ओके, इंग्लिश, ठीक है. ओके जी, अब आप कहां पर हो, तो नाउ अकॉर्डिंग ऑफ माय कंट्री आई एम इन द इंडिया. तो यू कैन कम टू हियर एंड एज यू सी इट इज चेंज एशिया कोलकाता, ठीक है ना, ये आपके हिसाब से चेंज हो जाएगा. ओके, डन, ठीक है जी. आफ्टर दैट या इट से कि ये इसी में ही आपका इंस्टॉल होना है, इट मीन कि इट विल इंस्टॉल वो जो इटसेल्फ, हाँ जी. ओके, तो नाउ द अनदर ऑप्शन इज कि ओके इट विल इंस्टॉल ओनली हियर, ठीक है, ओनली हियर, ठीक है. माय अनदर ऑप्शन इज ओके, इट इज द वो इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. द सम ऑप्शन आर कमिंग हियर, तो आई एम टॉपिंग ऑल्सो हियर. दो देखो एक सेकेंड, आई जस्ट कम टू हेयर, इट इज माई ऑप्शन इज सॉफ्टवेयर सेलेक्शन, ठीक है. माई अनदर ऑप्शन इज सॉफ्टवेयर सेलेक्शन, ठीक है. इट हैज अ मैनी ऑप्शन, तो नाउ माई फर्स्ट ऑप्शन इज सर्वर विद GUI, विद GUI, अच्छा. अब नाउ द वो इंटरेस्टिंग थिंग इज GUI स्टैंड फॉर graphical user interface. Very good. And my वो जो another होता है, it is called CLI, ठीक है, CLI मतलब command, हाँ जी, ना इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस. Here I can come over the mouse, ठीक
ठीक है, बट हेयर आई कैन यूज ओनली एंड ओनली द कमांड्स, सिर्फ बस ओनली इस पर ही काम आपका होगा, ठीक है. तो सॉरी, तो इफ आई कम ओवर द सर्वर विद GUI, इफ आई कम ओवर द सर्वर विद GUI, इट मीन्स वो इंस्टॉल द OS विद CLI प्लस GUI, ठीक है. ओके, माय अनदर ऑप्शन इज ओनली द सर्वर, ठीक है. यू कैन सी हियर, ओहो ये देखिए, हाँ ठीक है. तो नाउ जस्ट वेट, हाँ सॉरी, इट इज, इट हैज ऑल्सो CLI प्लस GUI, बट इट हैज अ इशू सर्विसेज, ठीक है. इट हैज ऑल एंड इट हैज ओनली सम, ठीक है. थर्ड वन आस्क मी, द थर्ड वन इज मिनिमल इंस्टॉलेशन, ठीक है. इट मीन्स ओनली इंस्टॉल द CLI, ठीक है. एंड अनदर इज वर्क स्टेशन, इट मीन इंस्टॉल द OS इन द CLI विद लिमिटेड सर्विसेज, ठीक है, लिमिटेड सर्विसेज. माय अनदर ऑप्शन इज कस्टम OS एंड वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, कस्टम OS. Another is virtualization, ठीक है, virtualization. तो here I can install the, I can, it will assign the GUI, but I have an option to select the services, ठीक है, here, ठीक है. And it is inform me if you make as a वर्चुअल बनना, तो आप इसमें आइए, ठीक है. तो आई विल कम ओवर द फर्स्ट ऑप्शन, ओके जी, ठीक है, मैं इस पर आता हूं, फर्स्ट ऑप्शन पर, ठीक है. इफ आई कम टू हियर, तो देखे कि इसमें कुछ और भी ऑप्शन आया है. इफ यू सेइंग कि ये OS भी हमारा इंस्टॉल्ड हो जाए इन द सेम टाइम, अनदर services is also installed, example FTP, okay. तो if I just check here ना, तो भाई वो it है ना, वो also install the विपिदा है ना आपका OS, okay. तो देखो same, I have another options, okay जी, as your best. तो अभी मैं I will install the simply, ठीक है. तो बस come over the first option and just come, okay जी, understand. अब इट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, इट इज कॉल्ड पार्टीशंस. अब नाउ इट इज क्विक क्वेश्चन सर, हाँ जी प्लीज आस्क मी. सो व्हाट्स द रियल एनवायरनमेंट, व्हिच इंस्टॉलेशन डू रिकमेंड इट, देयर जस्ट इंस्टॉल CLI, इफ यू कम ओवर द एनी कंपनी ना, इट इज ऑलवेज इन द CLI, ओके, ऑलवेज CLI, ओके, थैंक यू सर, ओके जी, ठीक है. सॉरी, now the important thing is the partition, okay, it is the most important part of your OS, partitions. Everyone know if I install the window, ठीक है, तो इसमें एक आपका होता है C, एक आपका होता है D, एक आपका E होता है, okay जी, everyone know है ना easily. But here you have a some another partition. My first partition is called ये वाला slash, okay. It is called root partition, okay, and it is same as C drive of Windows, means it save the all OS file, ठीक है, जो OS हमारा इंस्टॉल्ड होता है वो इसी के अंदर हमारा इंस्टॉल्ड होगा, ओके. इट सेव द ऑल OS फाइल, ओके. एंड इट साइज शुड बी ना
ना ये इतना तो आपका होना ही चाहता है, ये 15 GB, ओके जी 15 GB, इट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. अनदर इज कॉल्ड द ये वाला, इट इज कॉल्ड बूट पार्टीशन, बूट पार्टीशन, ठीक है. इट सेव द ओएस फाइल, सॉरी इट सेव द ओएस बूटिंग फाइल, ओके ओनली, ठीक है. एंड इट साइज एट 200 MB, ओके इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है. तो ये दो अभी हमारे इंपॉर्टेंट होंगे, द फर्स्ट इज द स्लैश एंड अनदर इज द बूट, ओके. तो अब हाउ आई कैन मेक द पार्टीशन, हाउ आई कैन मेक द पार्टीशन, ओके अंडरस्टैंड हेयर. इफ यू कम टू हेयर यू हैव टू क्लिक हेयर, जस्ट वेट, ओके. अब आफ्टर इट इज से कि यू हैव अ 20 GB बुद्धि जो है वो आपका स्पेस, ओके जी. यू हैव टू क्लिक ऑन द कस्टम ऑप्शन, ठीक है, ओके. एंड आफ्टर दैट डन, ठीक है. अब फॉर मेक इट अ कम ओवर द प्लस ऑप्शन, प्लस, ठीक है. अब एज यू सी देखो है ना, इट इज कम ना, तो अभी हमारा ओनली बस वो वी हैव अनदर पार्टीशन ऑल्सो, ओके एज यू सी. एंड द इम्पोर्टेंट इज ओनली द फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके. तो आई एम also need the swap partition here. Swap is you can say ki swap will come na, swap will come actually na, swap has a another option, swap has a another task. For example, if you say ki extend the, for example in your server na, for example has a so much load, okay na, tab hum log iske upar aayenge. ओके तो अभी इट इज ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग. इफ यू इंस्टॉल द एनी ओएस यू हैव टू मेक द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टीशन, ओके ठीक है. तो आई एम जस्ट मेकिंग हियर माय पार्टीशंस, ओके ठीक है. माय फर्स्ट पार्टीशन एंड द साइज इज अ 15 GB, ओके ठीक है. एड माउंट पॉइंट, हो गया जी एज यू सी. एंड अनदर इज बूट, ठीक है. एज यू विश आई एम सेइंग द 500 MB, ओके जी वो जी एज यू विश, ठीक है. फॉर इरेज इट यू हैव टू क्लिक हियर, देखो जी ये आपका हट गया, ठीक है. अगेन मेक, अगेन अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 18 GB, ओके एज यू विश 18 GB, ठीक है. एंड आई एम जस्ट मेक माई अनदर पार्टीशन इज ऑल्सो बूट, ठीक है. इट इज कॉल्ड द आइटम सेइंग द 1 GB, ओके एज यू विश, ठीक है जी. तो इट इज द वे टू मेक द पार्टीशन, ओके सिंपल आके डन, ओके एंड एक्सेप्ट, ठीक है. नाउ इट डन. अनदर इज कॉल्ड द के डंप, अनदर ऑप्शन इज कॉल्ड के डंप, ठीक है. इट इज माई कॉल्ड द पार्टीशन, अनदर ऑप्शन इज के डंप. के डंप स्टैंड फॉर द कर्नल डंप, ठीक है. इफ इट इज इनेबल तो अब इफ एनी इशू अकर इन योर ओवर्स, एनी इशू अकर इन योर ओवर्स, तो आई कैन इजिली रिकवर द ओवर्स, ठीक है. रिकवर द ओवर्स एंड इट इज ऑलवेज इनेबल्ड. यू कैन सी हियर, इफ आई कम टू हियर यू कैन सी इट इज ऑलवेज इनेबल्ड, okay. All right, I just want to add something. Kdump, we also use Kdump just in case the operating system is crashes. So we use Kdump file as for, yes exactly. It make the kernel files, ठीक है ना. तो इफ द एनी इश्यू अकर इन योर ओवर्स आई कैन इजिली रिकवर इट, ओके जी. ऑल राइट आई एम कमिंग इन माई अनदर ऑप्शन, इट इज कॉल्ड माई अनदर ऑप्शन इज कॉल्ड नेटवर्क एंड होस्ट नेम, एंड होस्ट नेम. फॉर एग्जाम्पल इन द सेम टाइम,
in the same time I can assign the IP address or I can assign my OWASP name. How? Sorry. तो if I say कि okay जी I will वो जो वो assign the IP address, तो you have to come to here. Okay, it is my card name. ठीक है, you have to come in the configure option. ठीक है, after it. Okay, you can see here IPv4. ठीक है, and sorry. It is come over the DHCP, but if I say ki no, I will assign it the manual, to aap isme aa jao as you wish. I am saying the 10 key range mein 1, theek hai, subnet mask as you say, theek hai, save. Ab in the same time it the IP address is also assigned, okay, theek hai. Ab I can change my OWASP name. तो देखिए ये आपका होता है नेम. एग्जाम्पल आई विल से कि नेम विल माय ऑफिस सर्वर. ठीक है, एज यू विश, ऑफिस सर्वर. ठीक है, अप्लाई. तो इन द सेम टाइम आई कैन असाइन द आईपी एड्रेस और आई कैन असाइन द ओवर्स नेम. ठीक है, अनदर इज सिक्योरिटी पॉलिसी. ओके ना, तो ये अभी हमारा आगे आएगा. ओके, आई ना वो कम वो आफ्टर सम डेज. ओके, ठीक है. एंड इट इज आस्क मी द यू इंस्टॉल द ओएस. ओके जी, फाइन. तो बस सिंपली कम टू हियर कि आई विल मेक एज अ आरएचएल सर्वर एंड ओके जी, सिंपल आके जस्ट ओनली चेक. ठीक है, डन. ऑन सिक्योरिटी, कैन यू क्लिक ऑन सिक्योरिटी अगेन. देखो, if I come over the security policies now, security policies, where, sir, I have a question, where would you enable BitLocker in Linux? BitLocker, I have informed you, Abdullah, if you make the any partitions, so I have informed you the practical and the name is not LUKS. Yes, I have informed you. Okay, the against you. Okay, see. Okay, the security policies. For example, in the same time, I am saying ki applying the some policies. ठीक है ना? तो इतने फिर I have another options. ठीक है? And वो ना तो फिर ना देखो ना I will come over the SE. Okay ना? तो हमारी study इसमें होगी इस पर. Okay? ठीक है जी? तो as you see, the important thing is only the partition. ठीक है, इफ यू इंस्टॉल द ओवर्स यू हैव टू कम ओवर मेक ओनली द पार्टीशंस ओनली, बस. ठीक है, आफ्टर आई विल कम ओवर द स्टार्ट. ओके जी, स्टार्ट. ठीक है जी. हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, प्लीज आस्क मी सर. आई हैव टू क्वेश्चन. हाँ, प्लीज आस्क मी. You have already for the duct page. Actually, what is LVM? When you are creating the partition, it first shows LVM. LVM, huh? Yes, LVM. So I'm not sure what it is. You're not. देखो, actually ना, as you see, it is my first class. Okay. So I will come over the LVPP है ना. Also I will come, but after. Sorry, after 7 to 8 class. Okay, team. Sure. Okay, na. And one more question, sir. Like as you have explained, like there is a KDEM. If the OS has crashed, we can recover from there. Yes. So what kind of the crash? If the kernel was crashed, so is there any possibility we can recover from there? Kernel only. Okay. For example, if the any issue occur in my prototyping file, na, okay, मतलब वो आपका example, the issue will come na, देखो ये वाला, the first issue is always come like that, ठीक है? It is indicate the issue occur in your OWASP file. Okay, जी. And another is always come kernel panic issue. ठीक है. It is indicate the
kernel issues. ठीक है, तो now if I enabled it, हाँ जी, I can easily recover it. Okay. Actually, why I'm asking this question? Because ideally there is a virtual VM has configured in the current environment. So like companies, okay. Huh. The VM was corrupted due to the kernel was trashed. So we don't have any option. We have to recover that VM and we have to recreate the instance. We have an option. We have an option in my course na. I will build na. वो जो इन्फॉर्म यू ना कि हाउ टू रिकवर द करप्ट ओवर्स. ओके ना, आई विल कम ऑल्सो दैट हाउ आई कैन रिकवर द करप्ट ओवर्स. अगर हमारे ओवर्स में कोई भी इशू आता है तो वो आपका हाउ टू सॉल्व इट. यस, ओके, ऑल राइट, ठीक है. नाउ देखो, अब इम्पोर्टेंट थिंग इज हियर, ठीक है. देखो, इट इज आस्क मी टू असाइन द पासवर्ड एंड द फर्स्ट इज कॉल्ड द रूट. अब नाउ द अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है. इट इज आस्क मी द पासवर्ड अबाउट द फॉर द रूट. अब देखो, अब हियर इज root is also the name of a partition. Yes, okay. And it is indicated as a slash. Yeah, everyone know. ठीक है. And here it is also a user. ठीक है. It is same as a administrator. It is same as a administrator of the window. ठीक है, of the window. Means na it has a full power. It can do anything. Yes, full power. ठीक है. It is also called privilege user. ठीक है, privilege user. Okay, understand ना? ठीक है. तो I am just come to here and assign the password according of your wish. ठीक है. तो I am assigning the password. Yes. ठीक है, as your wish. ठीक है जी. And after it is saying कि please make the another user है ना, वो जो also. ठीक है, मेक द अनदर. तो नाउ यू हैव टू मेक द अनदर यूजर ऑल्सो. अब नाउ द देखो, अब जो आपका वो देखो, इट इज सेम एज अ स्टैंडर्ड यूजर ऑफ विंडो. मीन्स इट हैज नो फुल पावर. ठीक है, नो फुल पावर. तो नाउ वी हैव टू मेक इट. For example, I will make example ABC. Okay, and you have to assign the password. ठीक है, okay जी, as you wish. ठीक है. अब it will take the time. अब देखो, important thing. You can see here. अच्छा, if I come over the window. ठीक है, अगर आप इस पर आओगे तो it is called the software. Everyone know. But here if you come, it is called the package. ठीक है, package. अब now, if you install the server with GUI, so it has approx 1370 package. It will install the, ठीक है. But if you install all, देखा ना, बता नहीं, बस only अब the CLI, तो it will take only approx 400 packages only. ठीक है. तो नाउ इट टेक सम टाइम. तो फॉर सेव द टाइम ना, तो आई हैव मेक द अनदर बीबीएम. ठीक है, ओके. आफ्टर एंड इट इट विल शो लाइक दैट. ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन आएगा. यू हैव टू ओनली क्लिक हियर. ठीक है, रिपोर्ट. ठीक है, अब नाउ इट ओनली द restart the server. ठीक है, only press the enter बस. अब it will ask you something only the first time में ना कुछ आपको options आएंगे.
Okay, it takes some time to opening it. अब इट विल आस्क यू द लाइसेंस, ठीक है? ओपन फास्ट. देखिए इट इज इंस्टॉलिंग द पैकेजेस एज यू सी, है ना? तो नाउ इट टेक्स सम टाइम टू इंस्टॉल क्वेश्चन, बट इट इज, हाँ देखो जी, अब ओनली द फर्स्ट टाइम ना इट इज आस्क यू अबाउट द, ठीक है? सिंपली जस्ट क्लिक हियर एंड आई एक्सेप्ट, ठीक है? आई एक्सेप्ट एंड आपका आपके डन, ठीक है जी? एंड फिनिश कॉन्फिगरेशन. नाउ ओवर्स इज इंस्टॉल्ड, OS is installed. Okay, जी. So now I have informed you how to install the OS. Only install the OS. ठीक है? अब now how I can log in here? Now, देखो, we installed in the GUI, ना तो फिर देखो वो it is open in the GUI, ठीक है? As you see, I made नहीं, वो जो आपका ABC, तो I can start from the ABC, okay जी, as my wish. And if I say कि okay, I will start from my root, तो जी how I can start? तो simply you have to come to here. ठीक है, आपको इस ऑप्शन पे आना होगा. आफ्टर इट यू हैव टू टाइप हियर, ओके आई विल स्टार्ट एंड असाइन द पासवर्ड, सिंपल. तो नाउ इट इज ओपनिंग, ठीक है? तो ये अभी हम अपने ओवर्स के अंदर आ रहे हैं. वी कम अंडर वो इनसाइड द ओवर्स ओनली फर्स्ट टाइम. तो नाउ वी इंस्टॉल द ओवर्स, ठीक है? सॉरी. देखो अब यू कैन सी हियर इट इज माय जीयूआई मोड, ठीक है? तो ये आपका हो गया. हाँ जी, एनी इश्यू प्लीज आस्क मी अबाउट दम कि वो जो हाउ टू इंस्टॉल इट. देखो फर्स्ट टाइम ना इट विल कम, तो सिंपली जस्ट टाइप द सिंपली जस्ट एंड स्टार्ट, बस ठीक है? तो नाउ इट इज इंस्टॉल्ड. तो आई हैव इन्फॉर्म्ड यू हाउ टू इंस्टॉल द ओवर्स. तो नाउ एवरीवन नो टुडे क्लास ना आई जस्ट इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द ओनली इंट्रो, ठीक है? आफ्टर दैट आई हैव इन्फॉर्म्ड यू हाउ टू ओनली इंस्टॉल द ओवर्स, ठीक है? तो टुमारो ना, अच्छा, द फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, ठीक है? यू हैव टू इंस्टॉल द 5 to 6 times, ठीक है? 6 times. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंस्टॉल फ्रॉम द GUI एंड ऑल्सो इंस्टॉल फ्रॉम द CLI, ओके ना? सेम वे, ठीक है जी? अब नाउ दैट टुमारो I will inform you how to use it, ठीक है ना? And I will start the basic commands, ठीक है? Basic commands, ठीक है? अब देखिए important thing. For example, if you are fresher, अगर आप fresher हैं, for example, if you are only the one or two year experience. But in the another field, yes, ठीक है? तो another field, तो after it's ना after this ना training ना you can easily get ना
job. Okay. As I informed you, I teased according of the company. Okay. So if I just show you the course. So now you can see here, my course is start from the scratch. ठीक है, आप कहीं से भी हो, आपको ये जैसा है ना, मतलब देखो ना, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस. यू कैन सी द होल कोर्स ना एडवांस तक है. इसमें हर चीज जो एक ऑफिस के लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ इसमें है. ठीक है, तो इट इज माय कोर्स एज यू सी. ठीक है, एंड ओके ना. So and everyone know the time is, I just again inform you, the time is 7 to 8:30. ठीक है, every day, and the class will Monday to Friday. ठीक है, it will take approx 35 classes exclude the holidays. ठीक है, exclude the week off. ओके, तो मींस इट विल एंड अप्रोक्स इन द समर स्टार्टिंग. ठीक है, एंड इट विल एंड एट द एंड ऑफ नवंबर ना, यू आर रेडी ना फॉर गिव द इंटरव्यू. ठीक है, यस ओके. तो इट इज इनफ फॉर टुडे. हाँ जी, और एनी इश्यूज? हाँ, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इट इज माई फर्स्ट क्लास. तो एज आई इन्फॉर्म्ड यू, माई फर्स्ट क्लास इज ऑलवेज फ्री. एंड फ्रॉम टुमारो ना, इफ यू कम तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी. ओके जी, हाँ जी, और एनी इश्यूज प्लीज आस्क मी. थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन. ठीक है जी, ओके जी. Thank you everyone. Bye-bye everyone. Sir, thank you. Bye team. Haanji, haanji. Please ask. Sir, you installed RHEL, na? Is CentOS is also based off GUI? Same. Yes, I have informed you. You can install the RHEL, or you can install the CentOS. Everything is same. Every step, every command, everything is. Okay, ji. And okay. and sir, that license that you used is for RHEL only. In CentOS, when I will install it in VMware, then no license will be asked. No. It will also ask, na? It will also ask. Okay, na? Okay. Okay, see, fine. Yeah. Or any issues? Okay, sir. Can you send the recorded video, sir? Haha. Okay, na? Of course na, I will send you. Okay ji, theek hai ji. Okay, in our WhatsApp group, sir. Haha, yeah, I will send na. Okay ji, theek hai, fine. Okay, sir. Okay, thank you everyone. Okay ji, thank you. Okay.